जगन्नाथ आपड़े सब केमती अच्छा मु तो बहुत भल अच्छी आज इवनिंग टाइम हो भाविली आप सहित गोटे नुआ ढोकला बनाऊली तो भाली से सहित भी सेयार करें ढोकलाटा बनइबी आपण मान सहित भी सेयार करी मुमी ढोकला बनाऊँ कौन आईका मुझे सब जिन बाहर करलरेडी रखीदी कौन कौन आम दरकार सब मुझे बाहर करके रखीदी देखु मुझे गोटे गोटे कर सेयार करूँगी कौन कौन मुझे रखी बाहर करी पूर्वर मुझ मानक रिक्वेस्ट करूँ कि जदि आपण मैंने मो चेल नुआ अच्छा मो चेल को देखुं कि सब्सक्राइब करना तेल प्लीज मो चेल सब्सक्राइब कर दिंतु आ भिडटी जब आपको भल लगुच निहाती मो भिड को लाइक करूँ आ मो चेल को सेयार भी करूँ आदि आपन को आ कि नुआ नुआ भिड देखापी मत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जनातु आसतु ए देखा आम ढोकला बनवर प्रोसेसटा आपण मान सहित मुझे कथा देखा देखो ढोकलाई मुझे 200 ग्राम बेसन नहीं 200 ग्राम बेसन ताधेरे पकड़ा अल्प टिके मानने चीनी नहीं 2 चमच चीनी गोटे चमच लुण लुणटा आप देखिकी पकड़े जहाँ जी दरकार से हिसाब से आम लुणटा पकेबा आतेबाला आम ढोकलें अल्प टिके मानते पा दे कि ढोकलाटा को तो आम पाने हिं गोड़ा बेसन को बेसी बहलिया करवानी कि बेसी भी पतला करवानी आ पूरा लास्ट जितेबाला आम कड़े गरम पाने से बसइबा से आम इनो पैकेटा को काटिकी तादी दबा इनोटा दे बेस टी स्पंजी हम जिनसा पूरा फ्लफी होकर खावा को भी भल लगे मुझे के मैंने सोडा समस्ते सोडा खाइबा सोडा यूज करती कि खाइबा सोडा यूज न करके बदल इनोटा को ही ना चलो ये आरंभ करवा केमती कौन आम बेसनटा को गोल कौन करवा से गोटे गोटे कर देखा एवं आसत आम बेसन को नहीं जा बेसनटा देखते गोटे एमती बाउल बड़ बाउल आम बेसनटा को पूरा बेसन को लेकिन भलसे गोल पा देक बेसी पा दबानी अल्प अल्प भलिया करवाक दरकार गोटे कप मुझे गोटे छोट ये ग्लासटा मानते दुई कप मात्र पा हम मुझे दुई कप पा ये ढोकला को आपण इवनिंग स्नाक्स रे भी खाई मॉर्निंग रो ब्रेकफास्ट रे भी आपण खाई परिबे ता बहुत माने देह पाई भी बहुत हेल्दी थाए एटा खाइले देह पाई बहुत हेल्दी आरो कोनोसी माने एंती किछि एथरे बेसी ऑयल रो जेतु तेल रो यूज न थाए तेति पाई यार किछि साइड इफेक्ट नै खाइले देह पाई बहुत भलो एबे आमे लुण नै जेबा एथरे अल्प टिके जति कि दरकार अल्प टिके लुण ही आमे नबा चीनी आम जी 2 चम्मच चीनी रखीचे पूरा 2 चम्मच चीनी को ही आम एड करद देखु लेंबू गोटे फल लेंबू को भी मुझे चुपड़ी को मिक्स करके आमे 10 मिनिट पर्यंत रेस्ट में छाड़ा टिके रखा जमी फ्लफी हम आगे बेसनटा टिके फुली आसो से आम 10 मिनिट टिके रेस्ट दबापर पुणी आपण मान सहित मुझे देखेबी केमती कौन प्रोसेस करुच्ची आपण कथे एबे देखु बेसनटा पूरा एमती भल भाव में मिक्स कर देचे पूरा एति पतला हमें मिक्स करे मिक्स कर सारापर या देहर आम गोटे चमच तेल दबा गोटे चमच आम रिफाइन तेल दबा अलग किसी तेल नुहे रिफाइन तेल आम गोटे चमच दे कि भल भाव मिक्स करद मिक्स करके 10 मिनिट पर रेस्ट छाड़ीद आम पुणी आरंभ कर बेसन को आम रेडी करके रखी देचे 5 मिनिट हाँ भितर आम एम केक् पैनटा जो नहींचे जो थे आम ढोकलार गोलणीटा दबा
ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ର କେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ତ ମାର୍କେଟରେ ବି ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବ, ଯେକୌଣସି ସିଲଭର୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା, ସ୍ପ୍ରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟାରେ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଚାରିପଟେ ତା'ର ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଢୋକଲାଟା ଆରାମସେ ୟା ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି 5 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ସରି 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। 10 ମିନିଟ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏପଟେ ବି ତେଲ ଦେଇକି ବି ସବୁ କାମ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବେସନଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଳିକି ରଖିଛେ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆମେ ଇନୋଟାକୁ କାଟିକି ପକେଇବା, ଇନୋଟାକୁ କାଟିକି ପକେଇବା ଆଉ ଇନୋ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଇନୋଟାକୁ ଆମେ କାଟିକି ପକେଇବା। ଇନୋଟା କାଟିକି ପକେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗରମ କରିକି ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଇନୋଟାକୁ କାଟିକି କାଟିକି ୟା ଦେହରେ ପୁରା ପକେଇବି, ଫେଣ୍ଟି ପୁରା ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ୁଆ ଅଛି ତାକୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ର ଡିସ୍ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଏମିତି ପାଣି ତଳେ ଟିକେ ପାଣି ନେଇଯାଇଛେ, ତ ପାଣିଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଆମର ଅଛି, ସେ ଛାଞ୍ଚକୁ ତା ଉପରେ ଦେଇକି ସେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଛେ ଆମେ ବାଟରଟା ରଖିଛେ ସେ ବାଟରଟା ସିଲଭର୍ର ଯେଉଁ କେକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇକି ଆ ଉପରେ ରଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇନୋ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବାଟରଟା ଏମିତି ପୁରା ଫୁଲିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରଟାକୁ ଏମିତି ଆମେ ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଢାଳିଦେଲି। ଆମେ ଟିକେ ତାର ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆସିଯାଇଛି ବବଲ୍ସଟାକୁ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ଟିକେ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଏମିତି କରିଦେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ତାର ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, କିଛି ବବଲ୍ସ ରହିବନି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ବସେଇଛେ ଷ୍ଟିମ୍ଟା ସେଇଠି ଆମେ ବସେଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ବାଉଲ୍ଟାକୁ ଏହା ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ପାଣିଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଗରମରେ ଅଛି, ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ବି ଆମେ ହାଇ ରଖିଛେ। ଏବେ ୟାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଟାଇଟ୍ କରିକି ଯେମିତି କ'ଣ କିଛି ବାମ୍ଫ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଆମେ ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଢାଙ୍କି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ସେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ, ଫୁଲି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢୋକଲାଟା ଆମର ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଢୋକଲାଟା ପୁରା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ଲପି ହେଇଛି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେହରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀଟାକୁ ଏବେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲି। ଦେଖିଲି ଛୁରୀଟା ଆଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀରେ କିଛି ବି ଲାଗୁନି ତା ଦେହରେ, ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଢୋକଲାଟା ପୁରା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, 5-10 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏହାର ସସ୍ଟାକୁ ବନେଇବା ରେଡ଼ି କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢୋକଲାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛେ, ତାପରେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ଆର ଏବେ ଆମେ କରିବା ତା'ର ଯେଉଁ ସସ୍ଟା କରିବା ସେଇଟା କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇକୁ ବସେଇ ଦେଇଛେ, କଡ଼େଇ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ନେଇଯିବି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଅଳ୍ପ 1 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଆମେ ଟିକେ ନେଇଯିବା ସୋରିଷ ଟିକେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇକି ଫୁଟେଇବା। ସୋରିଷଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ କାଟିକି ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିବା, ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକେଇବା।
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପିଠା ବଜାରେ ଟିକେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଛେ ଆମର ଭୃଷଣ ପତ୍ରଟା ରଖିଛେ, ଭୃଷଣ ପତ୍ରକୁ ବି ଆମେ ଏବେ ପକେଇଦେବା। पानी रे हमें देख जितने की दरकार स्वाद अनुसार लुण पकेबा। चीनी देखते ये पखापाखि मु 150 ग्राम रा चीनी नहीं छि, सब चीनी को हमें इतने पकेद एटा टिके जति खट्टा मीठा हम यार जो हमें जो सरटा सॉरी हमें जो सिराटा बनेबा टिके खट्टा मीठा हम ये पानीटा टिके खट्टा मीठा दरकार, इथि पय हमें टिके चीनी अधिक इतने टिके नबा। आ खट्टा लगे मु लेंबू रस बाहर करके रखी तीनटा पखापाखि तीनटा लेंबूर रस मु बाहर करके रखी छि, तीनटा लेंबूर रस को हमें इतने पूरा पकईद। देखते शिबू एवं नहीं मिल्क शेक गोटे लकी रोटे मिलार चॉकलेट वाला मिल्क शेक आते बढ़िया भाव बढ़िया देखते के बढ़िया सरी यहाँ बटर स्कॉच मिल्क शेक नहीं आते बढ़िया सुंदर भाव में सजी ग्लास को देखते शिबू को टे देखी दिखा देखते शिबू को बेचारा शिबू झारसुगुड़ा जीव जीव बोली जापार नहीं सबदिन बर्षा आई जाऊ रही जा देखते चीनीटा आम जो पकईले चीनीटा बर्तन पूरा फिटी जाइए पूरा गरम चीनीटा पूरा फिटी गला आम जो लेंबू रस बाहर करके रखी थे पाखापाखि तीनटा लेंबूर रस बाहर करके रखी थे सहीटा को आज मिसाई लेंबू रसटा को कहीं यार से पाटा टी जम खटा मीठा टी हवा दरकार से लेंबू पाखापाखि तीनटा को देदेज चीनी भी पूरा फिटी गला ए देखते यादव आम जो काटिक अल्प टिके धनिया पत्र को पूरा चुन चुना करके रखी से भी पानी रे हमें ऐड करदे से टे पूरा फुट एम गैसटा को बंद कर देखो पानीटा पूरा भल भाव में पूरा बयल आसीगला गैसटा को पूरा बंद करदे। देखो गुल्लूर आईसार दिशार एवं दीज जग बस पूरा मिल्क शेक पीबार व्यस्त गुल्लू के लगुच बढ़िया दिशा के लगुच देखता जूसटा जो आम बनते तर जो पानीटा से थंडा हो गला लकी एवं धीरे धीरे ढालू ता देह एम ढोकलार चारिपटे ढाड़े बेस ठंडा है गरम भी अच्छी धीरे धीरे ढाड़ से पूरा ढोकलाटा पूरा यार जो पानीटा दिया से पानीटा पूरा टाण देखो कितने बढ़िया से पूरा रेडी बहुत स्पंजी पूरा फ्लफी है ढोकलाटा से प्राय देख तो ढोकलाटा पूरा बनिक रेडी केते बढ़िया खाया को भी पूरा एकदम टेस्टी आउ पूरा यम्मी आपण मैंने भी घर एमती ट्राए कर देखते ये ढोकला ढोकला गुगुल पचारा कौन एबे तो आम ढोकलाटा देखले तो पूरा बनिक रेडीगला जो मानक भी एमती घरे बेस ऑयली खाइबा पसंद नुहे से माने भी घरे ढोकला बन खाईपर बहुत ही सिंपल आ पूरा बहुत कम टाइम रे भी हो पार मात्र आपन को 10-15 मिनिट ही लगी था ढोकलाटा हाँपाईगा कि बेस टाइम नुहे कि बेस भी किसी इनग्रीडियंट्स भी दरकार ना घरे आज यूजुआल जहाँ भी थाए केवल बेसनटा तो समस्त घरे भी सब बड़े अवेलेबुल थाए से भी आराम से हो खाइबा को भी बहुत टेस्टी भी लगे।
आपण मैंने बनईकी देखु मोर ढोकलार रेसीपी आपंक लगला निहाते मत कमेंट करके निश्चिंत जनइबे आ प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ और मोर चैनल को भी आपण मान फ्रेंड मान सहित सेयार भी करूँ डेली डेली नुआ नोटिफिकेसन आपे निश्चिंत जाए पहुँच पार आज ब्लॉग को ये रखुची पुणी देखा गोटे नुआ भिडे रही बाय बाय जय जगन्नाथ।